लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका, जहां रायबरेली से विधायक अदिति सिंह बीजेपी में आज शामिल हो गई है। बसपा विधायक वंदना सिंह भी आज बीजेपी में शामिल हो गई है। आजमगढ़ की सगड़ी सीट से विधायक है वंदना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अब ज्वाइनिंग कराई है पार्टी में। तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी चुनाव से पहले आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, जहां पर रायबरेली से विधायक अदिति सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गई है। वहीं बसपा विधायक वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज पार्टी में दोनों विधायकों की ज्वाइनिंग कराई है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नितिन, जिस तरीके से बसपा और कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है, जहां पर आज दो बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, दो बड़े नेता, एक कांग्रेस की और दूसरी बसपा की। कांग्रेस से अदिति सिंह, जो कि रायबरेली की सदर सीट से विधायक हैं, वो जो कि कांग्रेस की विधायक हैं और अब वो बीजेपी की हो गई हैं। और दूसरी तरफ बसपा की विधायक वंदना सिंह, जो कि आजमगढ़ की सगड़ी सीट से विधायक थी, वो इस समय आपकी बीजेपी में आज अभी थोड़ी देर पहले शामिल हुई हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें शामिल कराया। लेकिन दूसरी अहम सबसे चीज, अनुष्का, ये है कि अदिति सिंह बीते एक लंबे समय से योगी सरकार की तारीफ करती आई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकातें होती रही हैं और अटकलें बहुत पहले से लगाई जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस ने उनसे कहीं ना कहीं दरकिनार सब कुछ अपने रास्ते कर लिए थे और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अदिति सिंह पूरी तरह से भाजपाई हो चुकी है और आज उस पर पूरी तरह से औपचारिक मोहर भी लग गई जब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। तो ये जो रास्ता था वो पहले से अदिति सिंह ने बना लिया था और आज उस रास्ते पर वो निकल चुकी है। जी नितिन, जिस तरीके से दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टियों में एक अच्छी पकड़ बनाए हुए थे, दोनों का एक अच्छा जनाधार था, ऐसे में अब जब दोनों ही नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, क्या लगता है कि जो बसपा है और कांग्रेस है, उसे क्या कुछ नुकसान देखने को मिलेगा? की बात कुछ नहीं है, क्योंकि पहले से ये दोनों पार्टियों ने तैयारी करी हुई थी। बीजेपी जान रही थी कि चुनाव का दौर है तो अदिति सिंह और कुछ ऐसे बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे। दूसरी तरफ नुकसान की बात अगर करी जाए तो कांग्रेस बहुत पहले से जान रही थी कि अदिति सिंह कांग्रेस के अन्य राजनीतिक दल में ही जाएंगी और इस तरह से बीते दिनों से देखा गया कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से उनकी मुलाकातें होती रही हैं, वो बीजेपी के पक्ष में बोलती रही हैं, तो कांग्रेस जान रही थी कि अदिति सिंह अब उनके खेमे की तो नहीं रही है। दूसरी चीज, अहम नुकसान ये हो सकता है, क्योंकि जहां से अदिति सिंह विधायक है वो गढ़ कहा जाता रहा है कांग्रेस का, क्योंकि उनके पिता अखिलेश सिंह, जो कि कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर रहे हैं, और अखिलेश सिंह का गढ़ बताया जाता रहा है रायबरेली। लेकिन वहां पर अब जब बीजेपी से अदिति सिंह अपनी टाल ठोकेंगे तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान थोड़ा बहुत कांग्रेस को होगा। तो ये पहला नुकसान कांग्रेस को। दूसरी तरफ बसपा की बात करें तो बसपा के कुछ ऐसे बागी विधायक पहले ही हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और जिनकी बात आज करी जा रही है, जो आज बीजेपी में शामिल हुई हैं, आजमगढ़ की सगड़ी सीट से विधायक हैं वंदना, तो उनकी बात अगर करी जाए तो उनको ये पता था कि उनका टिकट इस बार कट सकता है बसपा से, तो उनका भी रास्ता कहीं और उनको तलाशना था और उसी को देखते वो आजमगढ़ से अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं अगर बीजेपी उन्हें प्रत्याशी बनाती है तो। जी नितिन, जिस तरीके से अभी हम अदिति सिंह के बारे में बात कर रहे थे, वो काफी लंबे समय से योगी सरकार और योगी सरकार के जो मंत्री थे उनके कामों की तारीफ करती नजर आ रही थी, ऐसे में कई बार अटकलें लगाई गई कि वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकती है, लेकिन इतना लंबे समय के बाद अब जाकर पार्टी को ज्वाइन करना, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आई है? साफ तौर पर क्योंकि वो मौजूदा विधायक हैं और मौजूदा विधायक रहते हुए अगर वो बीजेपी ज्वाइन करती तो कहीं ना कहीं उनकी जो विधायकी है उस पर भी सवाल खड़े हो जाते और कांग्रेस उसको लेकर भी समस्याएं उनके लिए पैदा कर सकती थी। तो ऐसे में अदिति सिंह भी जान रहे थे कि अब कार्यकाल खत्म होने वाला है, 5 साल पूरे लगभग हो रहे हैं, चुनाव होना है विधानसभा का, तो ऐसे में अब नया रास्ता तलाश लेना जरूरी है, क्योंकि बीते दिनों भी देखा गया है कि जब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सत्र हुए हैं, कांग्रेस ने जितनी बार भी वॉकआउट किया है सदन से, अदिति सिंह ने एक बार भी वॉकआउट नहीं किया और वो सदन में मौजूद रही हैं। बीजेपी सरकार की नीतियों पर वो टेबल और मेज थपथपाती हुई नजर आई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी पर्सनल मुलाकातें होती रही हैं। बीजेपी के कई सारे
सीनियर लीडर से उनकी मुलाकात हुई और बीजेपी की योजनाओं पर उन्होंने सरकार की जो मंशा है उस पर भी बातें कही है मीडिया के सामने आकर, जनता के सामने आकर। तो ये अनुमान बहुत पहले ही लगाया गया था और अब चुनाव करीब है तो ऐसे में अदिति सिंह जान रही थी कि अब अगर पार्टी ज्वाइन कर ली जाए पूरी तरह से औपचारिक तरीके से तो आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि उन्हें रायबरेली की जिस सीट से वो विधायक है वहां से बीजेपी उन्हें टिकट देख के प्रत्याशी बनाती है और आने वाले दिनों में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अगर वो पहले इस चीज को कर लेती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उनकी जो सदस्यता है उस पर भी सवाल खड़ी कर सकती थी और विधायकी रद्द करने के लिए भी पर्चा जो था वो दाखिल करवा सकती थी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त लखनऊ से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस और बसपा को बड़ा चुनावी झटका लगा है। आपको बता दें कि रायबरेली से विधायक अदिति सिंह और बसपा विधायक वंदना सिंह बीजेपी में शामिल हो चुकी है। आजमगढ़ की सीट से विधायक कही जाने वाली वंदना आज बीजेपी में शामिल हो गई, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दोनों ही नेताओं को पार्टी में ज्वाइन कराया।